वो राम मंदिर बनने के बाद से जो है सब जो है लोग राममय हो गए हैं, और इसमें जो है अखिलेश सरकार की जो है, अखिलेश का जो है हम भी यादव हैं, कोई बात नहीं है, वोट देंगे या अखिलेश को ही। अच्छा। लेकिन यह है सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से मोदी की ही, क्योंकि मोदी सरकार की इस समय जो है, ये मोदी सरकार जो है चलती तो बहुत बढ़िया है, नौकरशाही के लिए ठीक नहीं है, और तो जनता के लिए तो बढ़िया अच्छी है ही भाई। जो गरीबों का विकास कर रहा है, उसको खाना राशन दे रहा है, उसका गरीबों का चूल्हा जला रहा है, उसको रोटी दे रहा है, तो वो आएगा कि जो उन खाली भाषण दे रहे हैं वो आएंगे? तो कह रहे हैं मोदी जी देशवा बेच रहे हैं, तो कहने दो, कहने वाले कुछ भी कहते हैं। सब बेकार है जी, सब बेकार है। सबके पास कार है। बीजेपी के आगे किसी का भी बोलवाला नहीं है जी, बीजेपी का बोलवाला है जी बस। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम अयोध्या। स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो जाओगे? छोड़ो जी, कोई बात नहीं, नाराज होने दो। आप जय श्री राम बोलोगे, स्वामी प्रसाद जी नाराज हो जाएंगे। कोई बात जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज से एक नए प्रोग्राम की हम शुरुआत कर रहे हैं। आखिर आम चुनाव है, तो आम चुनाव में माहौल किसका है? क्या प्रधानमंत्री मोदी का माहौल है, या फिर राहुल गांधी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अखिलेश यादव का माहौल है? आखिर देश में माहौल किसका है, और जनता किसकी गारंटी पर विश्वास करेगी? अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार चौबे। शैलेश चौबे जी, किसका माहौल बन रहा है आपकी बात? नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का माहौल है। क्यों उनका माहौल बन रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज अच्छा कर रहे हैं, और क्या। तो क्या ऐसा रीजन रहा कि उनका माहौल इस चुनाव में भी बनता हुआ नजर आया, क्योंकि दो बार से वो प्रधानमंत्री रहे हैं, तीसरी बार तो ये कहा जा रहा है कि मोदी को हटाएंगे, अब की बार किसी और को प्रधानमंत्री बनाएंगे? किसको बनाएंगे, कोई है ही नहीं है उनके सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिकने वाला। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाए, सब बेकार है, माहौल बन पाया? नहीं नहीं, कोई माहौल नहीं है उनका, उनका माहौल नहीं बन पा रहा है जी। नहीं, मोदी का माहौल बरकरार? हाँ, मोदी का माहौल। आप बताएंगे, आप तो युवा हैं, किसका माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है आपकी बात? भैया, मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी का ही माहौल है। ऐसा क्यों है कि बीजेपी का ये माहौल बन रहा है, कोई और माहौल नहीं बना पाया? राहुल गांधी भारत जोड़ो नया यात्रा चला रहे हैं, वो माहौल नहीं बना पा रहे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि अभी राहुल गांधी का इतना क्या कहता माहौल है कि वो क्या कहते हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा उनकी सीट में, बट मेरे को नहीं लगता कि वो क्या कहते हैं इतना सीट पा पाएंगे कि मेजोरिटी में सरकार बना पाए। आपको नहीं लगता कि देश में वह परिवर्तन होगा, मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा विपक्ष में से? हाँ, इस टर्म में तो मेरे को नहीं लगता, ऑब्वियसली चेंज है, डेमोक्रेसी में चेंजेस तो होते ही रहते हैं, और आगे चल के शायद कोई और बेटर पीएम बने। लेकिन अब की बार 24 में मोदी, नॉट मोदी बट बीजेपी गवर्नमेंट ऑब्वियसली अच्छा काम कर रही है, तो फिर मोदी पे ही थ्रस्ट है लोगों का, और वही मोस्ट प्रोबेबली जीतेंगे इसको, उन्हीं का माहौल बन रहा है ऑब्वियसली। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? माला सिंह। कहाँ जा रही हो? बस घूमने आए हैं। अच्छा, कहाँ से आई हो? हम तो एयरपोर्ट नादरगंज से आना, मौसी से। ये बताओ किसका माहौल बन रहा है? मोदी जी का। मोदी जी का। मोदी जी क्यों? इसलिए समाज में काम कर रहे हैं, उनका इतना काम हो रहा है, हर जगह गरीबों को घर द्वार पानी राशन सब कुछ दे रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, तो मोदी के अलावा कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी नहीं माहौल बना पा रहे क्या? नहीं। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाए, कुछ भी चला लें, कुछ भी जोड़ लें, कुछ भी चला लें, लेकिन मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा, खुला। अखिलेश भैया? कोई नहीं। राहुल भैया? कोई नहीं। प्रियंका दीदी? कोई नहीं। ममता दीदी? कोई नहीं। मायावती? कोई नहीं। मोदी, जो गरीबों का विकास कर रहा है, उसको खाना राशन दे रहा है, उसका गरीबों का चूल्हा जला रहा है, उसको रोटी दे रहा है, तो वो आएगा कि जो उन खाली भाषण दे रहे हैं वो आएंगे? तो कह रहे हैं मोदी जी देशवा बेच रहे हैं, तो कहने दो, कहने वाले कुछ भी कहते हैं। हाँ, कहने वाले कुछ भी कहते हैं, बनाएंगे मोदी जी, बनाओगी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी बस। कल जी क्या नाम है? अमरजीत यादव। यादव जी, क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है आपकी बार? अरे बीजेपी सरकार का है, उसमें कोई दौरा नहीं। एक्चुअली में जो है वो राम मंदिर बनने के बाद से जो है सब जो है लोग राममय हो गए हैं, और इसमें जो है अखिलेश सरकार की जो है, अखिलेश का जो है हम भी यादव हैं, कोई बात नहीं है, वोट देंगे या अखिलेश को ही। अच्छा। लेकिन यह है सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से मोदी की ही, क्योंकि मोदी सरकार की इस समय जो है, ये
मोदी सरकार जो है चलती तो बहुत बढ़िया है, नौकरशाही के लिए ठीक नहीं है और तो जनता के लिए तो बढ़िया अच्छी है भी भाई, जो है जनता में कोई परेशानी थोड़ी है, नौकरशाही कितने हैं और आम जनता तो है। मानते हैं कि नौकरशाहों के लिए ठीक नहीं है लेकिन जनता खुश है, हमारे हिसाब से जनता खुश है। हाँ जनता खुश तो है, जनता जो अखिलेश यादव जी कह रहे जनता बड़ी परेशान है। अरे जनता भाई वो तो नेता है, ये कहेंगे ही, नेता तो कहेगा ही जनता परेशान है, लेकिन यह है कि जनता जो अब जैसे है कि जो भी आम ही जनता है उसके अलावा जैसे कि राममय हुआ या जो ऐसा भी हुआ उसके लिए है, अब जो गरीब आदमी हैं उनके लिए क्या है 2000 रुपये मिल जाता है और जो है वो क्या नाम राशन मिल जाता है, 2.5 लाख रुपये मकान का दे दिया। अरे वो तो मकान को तो सबको नहीं मिलता है लेकिन यह ठीक है, अब जिसका जुगाड़ पानी होता है, क्योंकि एकदम 100% नहीं कोई काम होता है ना, चाहे जो है पांचों गरीब बराबर नहीं होते, सबको नहीं मिल पाता है लेकिन जिसका जुगाड़ पानी वो मिल जाता है। अच्छा साहब एक बात तो बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोबारा से मिल गए तो माहौल नहीं बना पा रहे हैं क्या? नहीं एक्चुअली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मिलना जो है अब हम लोगों के हिसाब से जो है अखिलेश को नुकसान हो सकता है। राहुल जी से मिलकर नुकसान होगा कि फायदा होगा? पक्का है नुकसान होगा, क्योंकि पिछली बार भी तो मिले थे तो उसको जो है उसमें नुकसान हो जाता है, यह है कि अपनी सोच है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा माहौल नहीं बना पा रही है, बड़ा मुश्किल है कांग्रेस को तो भाई जो है, कांग्रेस का बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस जी कह रहे हैं अब की बार 80 हराओ, भाजपा को हटाओ 80 भी हराओ। बिल्कुल बिल्कुल, अरे यार कहना तो हम भी कह रहे हैं हटाओ, लेकिन यह है कि ये माहौल जो जनता का माहौल है वो तो जो है जनता जानती है ना जनता का माहौल किस तरह है। अब यह है कि मोदी सरकार को इस पंचवर्षीय में तो कोई नहीं हरा सकता है, अगले बार में देखा जाएगा, अगली बार देखा जाएगा। चलिए माहौल किसका यही जानने निकला हूँ, और भी लोग हैं यहाँ पर स्टेशन पर बैठे, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? विपिन सिंह। विपिन सिंह साहब कहाँ के हैं? हम प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ के हैं, तो किसका माहौल चल रहा है देश में? बीजेपी चल रहा है, उधर तो राजा भैया का माहौल चलता है। नहीं बीजेपी चल रहा है, राजा भैया अपने विधानसभा में है ना, बस अपनी विधानसभा तक, तो पार्टी भी बनाए हैं राजा भैया? हाँ पार्टी बनाए, अपने विधानसभा में बनाए हैं। अच्छा तो नहीं लगता कि इस बार माहौल चेंज होगा? माहौल चेंज होगा, वहाँ से बीजेपी सांसद नहीं जीतेगा। अच्छा वहाँ सांसद हार सकते हैं? हाँ हार सकते हैं, संगल लाल गुप्ता। लेकिन देश में? देश में बीजेपी माहौल है, देश में मोदी है, मोदी है मोदी। राहुल भैया की तरफ नहीं देख पा रहे हो? राहुल भैया की तरफ है नहीं, क्या देख पाए, उसको खत्म कर दिए बीजेपी वाले। खत्म जोड़ो न्याय यात्रा चला, अरे न्याय यात्रा चला तो बीजेपी वाले खत्म कर दिए हैं ना उनको, राहुल गांधी को बताइए। वो तो कह रहे माहौल बन रहा है, जनता बदल जाएगी बार? नहीं बदल पाएंगे बार। नहीं बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। अच्छा चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, हालांकि इधर भी कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है भैया? संजय मौर्या। मौर्या साहब ये बताइए माहौल किसका चल रहा है? देखिए इस बार तो हम सरकार बदलना चाह रहे हैं, सरकार बदलेंगे जी, पूरा मूड में सरकार। तो किसको लाएंगे इस समय? देखिए गठबंधन ला रहे इंडिया, सब प्रसाद मौर्य को नहीं जिताएंगे? नहीं जिताएंगे मौर्य जी को हम। मौर्य जी तुम्हारे लिए लड़े, नेता बने। देखिए विकास चाहिए था, मिद्या मुद्दा विकास हो नहीं पा रहा है। स्वामी प्रसाद जी पहले बसपा में गए, फिर भाजपा में गए, फिर समाजवादी में गए, इतना तो माहौल उन्होंने अपने आप बदल दिया, तो नहीं बना बदल पाया माहौल? देखिए माहौल ठीक है, मगर क्या है कि इस प्रकार इस समय जो सरकार है बीजेपी को मात देने वाली सपा सरकार है, समाजवादी। हाँ समाजवादी, इसलिए समाजवादी को देंगे, बीजेपी को किसी तरह से हटाना है हमें, बस मेन मुद्दा लग रहा है। हाँ हट जाए, प्रतापगढ़ वाले भैया कह रहे हैं हटाना है बीजेपी को। नहीं हट पाएगा आपकी बात। क्या क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? प्रमोद मौर्य। मौर्य साहब किसका माहौल बन रहा है अभी? तो बीजेपी के सामने कोई नहीं टिकने वाला है। ये भी मौर्य, आप भी मौर्य हैं, लेकिन सामने कुछ कोई दिखाई नहीं देगा तब ना कुछ करेंगे। ये तो दिख रहा है इनको, अखिलेश भैया दिख रहे हैं। कहाँ से दिख रहे हैं, अपनी पार्टी संभाला नहीं जाता, कोई लाइन में है? अखिलेश भैया ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, हमने तो वोटिंग उन्हीं को किया था, भदोही से एक सीट निकली थी विधायक की। अच्छा लेकिन और कहीं तो कोई नहीं दिखा। अच्छा तो हम अकेले क्या उखाड़ेंगे? अबकी बार कह रहे हैं माहौल बदल जाएगा। बदल जाए अच्छी बात है, लेकिन बदलेगा नहीं, अभी एक पंचवर्षीय पूरा हटेगा नहीं बदलेगा। भाई साहब आप बताएंगे किसका माहौल चल रहा है? गठबंधन का। गठबंधन में किसका? गठबंधन, क्या नाम है आपका? आदिल है? आदिल अब्बास। आदिल अब्बास जी। आदिल भाई ये तो बताओ गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी में उत्तर प्रदेश में तो सीट ही बहुत कम दी, आधी से भी कम सीट दी। अरे उत्तर प्रदेश क्या है, अपना बहुमत तो आएगी आएगी। अरे यहीं से तो यूपी से तो दिल्ली का रास्ता बनता है भैया। तो क्या है ना गठबंधन, इंडिया गठबंधन, सपा भी है ना साथ में। सपा साथ में जी, प्रधानमंत्री राहुल भैया को। अच्छा क्या नाम है? राजित राम मौर्य। मौर्य साहब किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है जी।
मौर्य साहब, अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बना ली है। वो बना ली हो तो उससे क्या हुआ, उससे क्या दिक्कत है? काम मौर्य कह रहे हटाओ भाजपा को। भाई इनका काम अच्छा अच्छा हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, बीजेपी का बढ़िया काम हो रहा है, हर चीज़ में विकास कर रहे हैं बढ़िया। हर प्रसाद मौर्य तो बड़े नाराज हैं आप ही की। मौर्य को छोड़ो जो है, वो मौर्य को छोड़ो, उनकी वो अलग सिरदर्दी है। हाँ लेकिन बीजेपी काम बढ़िया कर रही है इस समय, बीजेपी का माहौल। हाँ जी हाँ जी, बस बस कह रहे राहुल गांधी को बना दो प्रधान। नहीं नहीं नहीं, वह उनको तो बोलना नहीं आता जी, भाषण ही सही नहीं देते। राहुल भैया, राहुल भैया क्या जो है भाषण देंगे, वो तो भैया भैया ही है। प्रियंका दीदी, अरे सब वैसे ही है, दीदी दीदी सब बेकार है। अखिलेश भैया, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है जी, सब बेकार, सब बेकार है। सबके पास कार है। बीजेपी के आगे किसी का भी बोलवाला नहीं है जी, बीजेपी का बोलवाला है जी बस। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम अयोध्या। स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो जाओगे? छोड़ो जी, कोई बात नहीं, नाराज होने दो। आप जय श्री राम बोलोगे, स्वामी प्रसाद जी नाराज हो जाएंगे। कोई बात जी, नाराज होने दो, हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे, देश से निकाल। वो तो बता रहे रामचरित मानस को जला देना चाहिए। कोई बात नहीं, उनको वो जला रहे हैं, क्यों नहीं जला सकते, विकास हो रहा है उनका बढ़िया सा। स्वामी प्रसाद की बात नहीं मानोगे? क्यों मानेंगे, काहे को मानेंगे, तुम्हारे नेता है स्वामी प्रसाद। कोई बात नहीं, होने दो नेता, क्या दिक्कत है। मौर्य साहब ये कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होंगे, नहीं नाराज होंगे, जय श्री राम बोलने से वो तो हिंदुत्व का वो नारा है। वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं ढकोसला हिंदुत्व। ऐसा कुछ नहीं है, उनका सोच है ये, समाज का सोच नहीं है। जो समाज सोचता है वो तो दिखाएगा सामने, हम लोग दिखाएंगे। क्या कहेंगे, वो तो कह रहे हैं समाज हिंदुत्व है, जो हिंदू धर्म है वो ढकोसला है। अरे वो कह रहे हैं भैया ढकोसला है, उनको कहने दो। हाँ वो तो सबको पता है ढकोसला क्या, ढकोसला क्या सही है क्या गलत है, पूरी सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कौन बढ़िया काम कर रहा है कौन गलत कर रहा है। सबको मोदी चाहिए, हमें तो मोदी नहीं, हमें जो बढ़िया काम करे वो चाहिए। हाँ जी, तो राहुल गांधी करेंगे एक बार बनाओ। राहुल गांधी ने पहले कर दिया, देखो कितना काम बढ़िया किया है पहले, कितना बढ़िया काम किया पहले देखो। अब जो काम इस समय जो है हमारे समक्ष जो चल रहा है, चार काम गिनवाओ मोदी। आप मौर्य साहब हैं सामने खड़े हैं, बोले जरा मोदी जी का काम गिनवाओ। हाँ जी, बढ़िया धारा 370 देखो हटाया उन्होंने, ये बढ़िया काम किया, ठीक है जी। अयोध्या का राम मंदिर बनवा दिया, ये बढ़िया काम कर रहा है। देखो सड़के का जो है निर्माण कर रहे हैं, बढ़िया ये काम कर रहा है। और देखो ये क्या नाम है, सब बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, सारा विकास कर रहा है। आपको क्या पसंद नहीं आया मौर्य साहब, ये बताइए, जब मौर्य आपस में हो जाए। मैं हमें पसंद ये नहीं आया कि देश में जो है शिक्षा पे और बेरोजगारी पे ये सब ध्यान होना चाहिए। मंदिर मस्जिद हमें क्या करना है, मंदिर मस्जिद लेके हम क्या करेंगे, भक्त बनना है क्या करोगे। देखो जी हर काम जो है बढ़िया नहीं हो सकता, कुछ काम सारा काम बढ़िया नहीं हो सकता, सारा काम बढ़िया नहीं हो सकता, कुछ काम गलत भी हो जाते हैं सबसे। हो चाहते हो कि घर नहीं चला सकते यार, देश कहाँ चलाएंगे बताओ। तो आप चाहते हो मोदी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोदी मोदी ठीक है जी, मोदी मोदी है, मोदी है तो सब कुछ ठीक है। और ये चाहते हैं कोई और? वो भाई राहुल गांधी, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन। चलिए देश का माहौल क्या इस चुनाव में, यही अब हम आपको दिखाएंगे जगह जगह से, और जनता की क्या राय है, जनता किसका माहौल बनाकर बैठ चुकी है अपने मन में, किसका माहौल बन रहा है, यही राय आपको लगातार दिखाते रहेंगे। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें, और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर इस आम चुनाव में देश में किसका माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।